डीआईजी ने अपने दफ्तर में खुद को गोली मार ली। ये हैरान कर देने वाला मामला तमिलनाडु के कोयम्बटूर का है, जहां डीआईजी सी विजय कुमार ने रेस कोर्स के अपने कैंप ऑफिस में पिस्तौल से खुद को शूट किया। उनके करीबी पुलिसकर्मियों ने बताया कि वो पिछले कई दिनों से तनाव में थे, जिसके बाद उन्होंने ये कदम उठाया। सूत्रों के हवाले से पता चला कि डीआईजी विजय कुमार शुक्रवार 6 जुलाई की सुबह टहलने निकले थे। इसी दौरान वो अपने कैंप ऑफिस पहुंचे। यहां उन्होंने अपने निजी सुरक्षा अधिकारी से पिस्तौल मांगी और दफ्तर से बाहर निकल गए। कुछ ही मिनट बाद डीआईजी ने खुद को गोली मार दी। गोली की आवाज सुनते ही वहां मौजूद तमाम पुलिस अधिकारी पहुंचे और देखा कि डीआईजी लहूलुहान हालत में जमीन पर गिरे हैं। गोली लगने के बाद मौके पर ही उनकी मौत हो गई। हालांकि पुलिस ने अब तक आत्महत्या के पीछे की वजह का खुलासा नहीं किया है। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। घटना के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए कोयम्बटूर मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया है। ऐसी ही तमाम खबरों को देखते रहें इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट। जुर्म कितना भी संगीन क्यों ना हो, अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, हर रात से उठेगा पर्दा, सामने आएगी हर खबर की सच्चाई। इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट पर क्राइम की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट चैनल YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, देखते रहें इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट।